डियर स्टूडेंट, माय प्यार क्लासेस में आप सबका पुनः एक बार हार्दिक अभिनंदन है। आज के इस वीडियो में हम 13 जुलाई 2021 डेली करंट अफेयर छत्तीसगढ़ के संदर्भ में चर्चा करेंगे। तो चलिए चलते हैं आज के हमारे इस वीडियो की ओर। क्वेश्चन नंबर पहला है, केनापारा पर्यटन स्थल किस जिले में विकसित किया गया है? ए सूरजपुर, बी सरगुजा, सी कोरिया, डी बलरामपुर। इसका सही उत्तर है ए सूरजपुर। आइए इसके कुछ महत्वपूर्ण तथ्य के बारे में चर्चा करते हैं। केनापारा पर्यटन स्थल को जो विश्रामपुर सूरजपुर के अंतर्गत है, विश्रामपुर SCCL कंपनी, वहाँ पे जो बंद ओपन कास्ट खदान थी उसके पोखरी नंबर 6 में वोटिंग और फ्लोटिंग की सुविधा प्रारंभ की गई है। इसको 25 सितंबर 2019 को डॉक्टर प्रेम सह टेकाम द्वारा इस पर्यटन स्थल का लोकार्पण किया गया था। और ये हमारे देश ही नहीं बल्कि पूरे विदेश में भी प्रसिद्ध हुआ, क्योंकि यहाँ पे जो खदानें थी, कोयले की जो बड़े बड़े खदानें थी, उन खदानों को कृत्रिम झील के रूप में बनाया गया और वहाँ पे लोगों को रोज़गार के लिए वोटिंग और फ्लोटिंग की भी सुविधा प्रारंभ की गई और इसीलिए यह केनापारा पर्यटन स्थल प्रसिद्ध हुआ। यहाँ पे हमारे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और TS सिंहदेव भी इसके अवलोकन के लिए गए थे। और इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि अभी हाल ही में जो स्वीडन के राजदूत थे गौतमी भट्टाचार्य, वो भी यहाँ पे पहुँचे थे और उनको भी यह काफ़ी पसंद आया कि इस तरह के जो कोयले की खदानें हैं, जिनसे बड़े बड़े खदान हैं जिनका कभी उपयोग नहीं हो रहा है, तो उनको बड़े बड़े जलाशयों में निर्माण करके इस तरह के पर्यटन के लिए बढ़ावा दिया जा सकता है और जो आसपास के क्षेत्र के लोग हैं उनको अच्छी खासी रोज़गार प्राप्त हो सकती है। तो ये हाल ही में यह चर्चा का विषय इसलिए बना हुआ है कि यहाँ पे जो एक गांव है, मैं शायद भूल रहा हूँ, जयनगरपुर ऐसा कुछ है गांव का नाम, तो उनका कहना है कि ये जो पोखरी नंबर 6 है वो उनके ग्राम पंचायत के अंतर्गत आता है, तो इसीलिए उन्होंने इसका विरोध किया कि इसको केनापारा पर्यटन स्थल पर उनके गांव के नाम से किया जाए। इसीलिए अभी यह समाचार में ट्रेंडिंग में भी चल रहा था। तो चलिए चलते हैं आज के हमारे दूसरे क्वेश्चन। छत्तीसगढ़ के किस जिले के निवासियों को पड़ोसी राज्य मध्य प्रदेश में भी निःशुल्क इलाज की सुविधा उपलब्ध कराई गई है? इसका सही उत्तर है सूरजपुर। सूरजपुर के जो मध्य प्रदेश से लगे हुए गांव हैं उनमें सूरजपुर के लिए दूरी बहुत ज़्यादा, जो बहुत दूरी उनकी लंबी हो जाती है, जिसके कारण ये मध्य प्रदेश में अधिकतर अपना इलाज कराना चाहते हैं। तो उसी के लिए जो मध्य प्रदेश के बारे जो कलेक्टर हैं और हमारे सूरजपुर के जो कलेक्टर हैं, उन्होंने आपस में चर्चा करके यह सुविधा उपलब्ध कराया कि जो स्मार्ट कार्ड हैं उसके माध्यम से वो वहाँ इलाज करा सकते हैं मध्य प्रदेश में। हाल ही में 100 बिस्तरों वाले बच्चों के लिए विशेष यूनिट कहाँ प्रारंभ की गई है? इसका सही उत्तर है रायपुर। शासकीय आयुर्वेदिक महाविद्यालय रायपुर में कोरोना की तीसरी लहर को देखते हुए 100 बिस्तर अस्पताल वाला विशेष यूनिट बच्चों के लिए तैयार किया गया है और यहाँ 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए OPD और क्रिटिकल केयर की सुविधा भी उपलब्ध कराई गई है। फिलहाल वर्तमान में अभी यहाँ 40 बिस्तर की व्यवस्था प्रारंभ किया गया है, जिसमें से 20 ICU और जो 20 हैं वो सामान्य इलाज के लिए यहाँ पे प्रारंभ किया गया है। पंडरी में भी, रायपुर पंडरी जिला अस्पताल में भी इस तरह की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। ये कोरोना की जो तीसरी लहर आने वाली है, जिसकी संभावना व्यक्त की जा रही है, उसी को ध्यान में रखते हुए अभी आयुर्वेदिक कॉलेज में बच्चों के लिए 100 बिस्तरों का अस्पताल की शुभारम्भ किया गया है। प्रवासी मजदूरों के हित के लिए जनता का फैसला 4 दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन किस शहर में किया जा रहा है? इसका सही उत्तर है रायपुर। इसके कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं, नेशनल फाउंडेशन ऑफ इंडिया और साक्रेट के संयुक्त प्रयास से यह कार्यक्रम किया जा रहा है और इस तरह का कार्यक्रम देश के सभी राज्यों में होने वाला है, जिसकी शुरुआत हमारे छत्तीसगढ़ से की गई है। इसमें जनता का फैसला इसलिए कहा गया है कि
कि इसमें जो मजदूर वर्ग हैं, अभी पिछले लॉकडाउन में हमने देखा सबसे ज़्यादा जो तकलीफ हुई थी, जो सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ा था मजदूर वर्ग के ऊपर, तो उनके लिए कुछ विशेष नीति बनाने के लिए इस तरह के आयोजन पूरे भारत में किए जाएंगे, जिसकी शुरुआत हमारे छत्तीसगढ़ से हो चुकी है। यह 12 जुलाई से लेकर 16 जुलाई तक का इस तरह का इसका कार्यक्रम चलेगा, जिसमें नेता से लेकर अधिकारी स्तर तक नई नीति के निर्माण के लिए लोगों से, मजदूरों से उनका सुझाव लेंगे। और इसमें जो ज्यूरी रहेगी, जो ज्यूरी में कुछ श्रमिक वर्ग के लोग भी रहेंगे, उनसे जो निर्णय लिया जाएगा उसी आधार पर नीति आयोग को मजदूरों, अप्रवासी मजदूरों के लिए नीतिगत जो व्यवस्था होगी उसको बनाने के लिए प्रस्ताव भेजा जाएगा। प्रश्न क्रमांक 5 है, विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट 2021 जूनियर पुरुष एकल खिताब जीतने वाला खिलाड़ी। इसका सही उत्तर है समीर बनर्जी। ए समीर बनर्जी, इन्होंने हाल ही में विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट का जो जूनियर पुरुष एकल खिताब होता है, इन्होंने इसको जीत लिया है। और ऐसा करने वाले हमारे भारतीय मूल के खिलाड़ी हैं समीर बनर्जी, जो कोलकाता से बिलोंग करते हैं और ये वर्तमान में अमेरिका में ही इनका निवास स्थान है। और इसके पहले इस तरह के कार्य जो हैं, सबसे पहले हमारे भारत में जो हैं रामनाथन कृष्णन, 1954 में इन्होंने जूनियर विंबलडन टेनिस चैम्पियनशिप जीती थी और वही जो हैं जूनियर ग्रैंड स्लैम जीतने वाले पहले खिलाड़ी हैं। उसके बाद उनके बेटे जो हैं रमेश कृष्णन, इन्होंने भी 1970 में जूनियर विंबलडन और जूनियर फ्रेंच ओपन खिताब जीता था। 1990 में लिएंडर पेस ने जूनियर विंबलडन और जूनियर यूएस ओपन जीता और फिर जूनियर जो ऑस्ट्रेलियाई ओपन है उसमें भी ये उपविजेता रहे थे जो लिएंडर पेस जी। और अंतिम में आते हम यूकी भामरी। 2015 में विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट जीतने वाले ये अंतिम भारतीय, इसके बाद हमारे किसी भी भारतीय खिलाड़ी ने इस तरह का कोई ग्रैंड स्लैम जूनियर वर्ग में नहीं जीता था। चलिए आज कुछ प्रश्नों का हल करते हैं। पहला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के किस जिले में रोहिंग्या शरणार्थियों के बसने की आशंका व्यक्त की गई है? इसका सही उत्तर है ये सूरजपुर, बी सरगुजा, सी कोरिया, डी बलरामपुर। इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे पिछले वीडियो में, और इसके आंसर के लिए आप पिछला वीडियो देख सकते हैं, उसमें हमने इसको मेंशन किया था। सेकंड क्वेश्चन है, विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट 2021 के पुरुष एकल विजेता ए मार्टिन फुस्कोविक, बी नवाक जोकोविच, सी माटियो बेरेटिनी और डी ह्यूबर्ट हकार। इन दोनों प्रश्नों का आंसर आप कमेंट बॉक्स में करेंगे और इस तरह से आपका रिवीजन भी हो जाएगा। तो चलिए चलते हैं आज की वीडियो में इतना ही, और इसके बाद जस्ट जो है 14 जुलाई और 15 जुलाई के वीडियो अपलोड हो जाएंगे।